नोएडा के थाना 24 क्षेत्र में स्थित ओलिव गार्डन में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी समारोह के दौरान पूरी बारात अचानक नाले में गिर गई। इस हादसे में दूल्हा समेत कई बाराती घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारात गाजियाबाद के इंदिरापुरम से नोएडा के ओलिव गार्डन पहुंची थी। ओलिव गार्डन के सामने स्थित बैंकेट हॉल पर जैसे ही बारात पहुंची तो अचानक लकड़ी से बना पटरा टूट गया और बारात में मौजूद कई लोग नाले में गिरने से घायल हो गए। हमारे सब मतलब किस तरह का मतलब ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा सब कुछ किया कि सारे लोगों को मतलब इस तरह से चोट आई है। ये हमारे देवर हैं, इनके देखिए इनके सीने में इतना चोट लगी है, इतना दर्द हुआ है। हाँ, हमारे करंट लगा था, सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी में करंट आया था, हमारे लगा था हाथ में। देखिए आपका वो पत्थर था या स्लैब था पता नहीं, बट वो हम लोग उस टाइम पर स्वागत के उस पे वहीं पे खड़े थे। अचानक से मतलब थोड़ा सा हुआ क्या, अचानक से नीचे की तरफ हम लोग नीचे धंसने लगा और वो पत्थर के टुकड़े पूरे नीचे और हम लोग अचानक से इधर से पानी और पत्थर पूरा चारों साइड, जितने लोग वहाँ खड़े थे सारे के सारे वो नीचे, कम से कम किसी के पैर घुटनों तक वो दब गए और फिर उनको पकड़ पकड़ के किसी तरीके, किसी का पैर दबा हुआ, किसी का कुछ कपड़े दबे हुए, चप्पल पूरा सब करके फिर वो उन्होंने जैसे तैसे करके ऊपर से हाथ पकड़ के किसी को निकाला, किसी बच्चों को गोदी में ले लेके ऊपर निकाला। मतलब बहुत बुरा था। अगर मिड में देखे तो मतलब किनारे वाले तो फिर भी ठीक थे, बीच वाले तो बहुत ही तेज उसमें पूरा चले गए, जो आधे आधे तक ऊपर तक बीत गए थे। वहीं दुल्हन के परिवार वालों ने कहा कि उन्होंने शादी के लिए इतना खर्च किया लेकिन इस हादसे से उनकी काफी बदनामी हुई है। सुविधाएं क्या दी गई, सुविधाएं दी गई थी लेकिन हमें ये तो नहीं पता था ना कि ये पुल इतना कमजोर है कि पुल गिर जाएगा। अब हमारी तो सामाजिक प्रतिष्ठा सब नष्ट हो गई ना, क्या करेंगे। हमारे जितना अरेंजमेंट था, जितने मिलने जुलने वाले थे सबके सामने तो हमारी बेइज्जती होगी, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, उसकी भरपाई तो किसी तरीके से नहीं हो सकती ना। ये हमने 250 लोगों के लिए बुक किया था और लगभग 3.5 लाख रुपए। जो बैंकेट के ओनर है पूरी तरह से दोषी है क्योंकि इतनी जाने खतरे में थी, वो सब जिम्मेदारी उनकी है। इसको लेकर वाले को क्या पता, बैंकेट हॉल के वो है ओनर या मैनेजमेंट, उनसे बात की क्या कह रहे हैं, उनका कहना क्या? वो तो अपने ऊपर कोई बात नहीं, अभी तक उनमें से जो किसी ने भी, एक भी बंदे ने सिंगल पर्सन भी आके अभी किसी ने बोला, किसी ने कोई वो नहीं किया। हम लोगों ने और जो है जानों के ऊपर खिलवाड़ है और कुछ नहीं है, पूरी बारात हमारी, मैं लड़की का छोटा भाई हूँ, पूरी बारात हमारी नाले में थी। हालांकि बैंकेट हॉल के मालिक ने कहा कि उन्होंने बारात की मौके पर पहुंचकर मदद की है। देखिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, जब मैं वहाँ पे गया तो तकरीबन 10-12 निकल जाऊंगा, हालांकि 50 फुट पे है यहाँ से नाला, 50 फुट पे है, और मैं जल्दी से वहाँ पे गया हूँ एकदम से, और मेरा स्टाफ भी बुरा भाग के आया है, मैंने खुद भगवाया है स्टाफ, अब सब मना कर रहे हैं तो वो अलग बात है, स्टाफ भी मेरा वहाँ फेंक गया है, पकड़ के निकालें फिर निकालें, 2-3 और निकल लेते हैं, या मैं बात कर दूँ या सुन। बिजली काटने वाला नाले के उस तरफ था क्योंकि जेन सेट से बिजली थी, हमारे डायरेक्ट नहीं थी। सर ये जो आपके नाले के ऊपर जो पुलिया आपने बनाई गई, आपके द्वारा बनाई गई? ये हमने बनाई, ये पुलिया कब बनाई गई? ये बनाई है 2003 में। इसको मेंटेन करते रहे हैं, इसको हर साल पेंट होता था और इसको देखा करते थे हमेशा, कोई वीक नहीं थी। वही पुलिस का कहना है कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसका जो कौन सा ओलिव गार्डन का पुलिया टूट गई नाले की, बराती समय कुछ गिर गए हैं, कुछ घायल हैं। जब मौके पर मैं आया हूँ तो घायल पूरे लोग अपने अस्पताल ले गए हैं और बातचीत मालिक से कर रहे हैं। कितने लोग इसमें घायल हैं ऐसा कुछ सोच सके? 10-12 लोग बताए मुझे, उसमें सोचना नहीं है लेकिन मुझे घायल कोई नहीं मिला। लेडीज बच्चे कैसे? मुझे 10-12 दिया, आप लोगों से बात की तो बताए, सब घायल अस्पताल भेज दिया हमने। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और परिवार के लोग ओलिव गार्डन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।